नमस्कार। इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाने वाले हैं, आसाराम बापू मामले में, क्योंकि आसाराम बापू के ऊपर जो धारा 120 बी लगाई गई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि आसाराम बापू के ऊपर इस धारा का मिसयूज किया गया है। तो आपको बता दें कि आसाराम बापू पिछले 10 सालों से रेप केस में जेल में बंद है, उनके ऊपर धारा 120 बी यही धारा लगाई गई है। तो आसाराम बापू के ऊपर एक लड़की के रेप का मामला है और उसी के मामले के अंदर उन्हें जेल में रखा गया है और उन्हें इतने वर्षों के बाद भी इसी 120 बी की वजह से ही एक बार भी बेल नहीं मिल पाई है। तो कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को फंसाना हो तो यह 120 बी उसके ऊपर लगा दी जाती हैं और वह जीवन पर्यंत तक जेल से नहीं निकल सकता है। तो कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ी बात कही है 120 बी को लेकर। उनका कहना है कि मैं पिछले 50 सालों से इस पेशे में हूँ और मुझे लगता है कि इस संस्था से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो धारा 120 बी को बंद किया जाना चाहिए, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना है। तो आपको बता दें कि जिस लड़की के रेप केस का मामला है तो उस लड़की को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गई तो मेडिकल में रेप की पुष्टि भी नहीं हुई और उनके जो बॉडी के ऊपर एक खरोंच का निशान भी नहीं पाया गया। तो उसके बाद आसाराम बापू के ऊपर इस धारा को लगाकर आज तक वह जेल में बंद हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है। तो कपिल सिब्बल ने इस बड़ी खबर को उठाया है। तो आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आसाराम बापू निर्दोष हैं? और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। सोशल मीडिया पर भी कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद यह सब ट्रेंड कर रहा है कि जस्टिस फॉर आसाराम बापू। तो आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।